सीरियल अनुपमा में आध्या अनुज को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, वो भी श्रुति के नाम से। तो क्या है पूरी डिटेल, आखिर क्या कह रही है आध्या, आइए जानते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त श्रुति काफी ट्रॉमा में है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, जिस वजह से श्रुति इंडिया तो गई हुई है लेकिन श्रुति काफी सदमे में है। तो आपको बता दें कि जैसा कि आध्या चाहती है कि अनुज और अनुपमा दोनों एक ना हो, अनुज और श्रुति एक दूसरे से शादी कर ले, तो आध्या अब जो है अनुज को इमोशनल ब्लैकमेल करते नजर आई आज के एपिसोड में। आध्या अनुज से ये कहती है कि भाई आप जो अनुपमा के पास वापस जाना चाहते हो, अनुपमा के पास पहले से भी और भी ज्यादा रिश्ते हैं, लेकिन श्रुति के पास कोई नहीं है। श्रुति के पास सिर्फ अनुज, आध्या और श्रुति, मतलब ये तीन लोगों की ही फैमिली है, अब तो उसके पेरेंट्स भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आध्या के बातों से अनुज सहमत होते हैं और आध्या जो इमोशनल ब्लैकमेल करती है अनुज को, तो उससे अनुज के माइंड पे थोड़ा बहुत अफेक्ट हो रहा है, असर हो रहा है। और अनुज जो है मन ही मन सोचते हैं कि आध्या कौन सा गलत कह रही है, सच ही तो कह रही है। तो अब देखते हैं कि आध्या की बात में आकर अनुज और श्रुति की शादी हो जाती है, तो जो भी होगा हमें सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में पता चल जाएगा। वेल फिलहाल आप अनुज और अनुपमा को एक देखना चाहते हैं या अनुज और श्रुति को, जो भी लगता है कॉमेंट करें और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो